नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडन बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या कोई भी ऐसा एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, कहीं आप किसी और की गलती का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप सभी लोग क्या होते हो, फिजिकली फिट होते हो, ठीक है, फिजिकली फिट होते हो, उसके बाद आप जो है मेंटली भी फिट होते हो, उसके बाद आप हर तरह से फिट होते हो, लेकिन फिर भी आप कई बार आपको बाहर कर दिया जाता है बहुत अच्छा परफॉर्म फिजिकल में करने के बाद भी, ठीक है ना। आपने रनिंग अच्छी करी है, आपने लॉन्ग जंप अच्छी करी है, आपने हाई जंप अच्छी करी है, उसके बाद भी आपको बाहर कर दिया जाता है कि भाई आपकी हाइट कम है, आपका वेट कम है, इन तरह की चीज़ों में आपको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन क्या सच में इस जो मापदंड होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं कि उन्हीं के बेस पर आपको बाहर किया जाता है, कि वो बिल्कुल स्टिक है, कि वो 100% ऑथेंटिक है, क्या ऐसा होता है? तो चलिए उस पे जाने से पहले एक बार एक स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये वाली जो कटिंग है ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो इसमें मेरा कोई भी क्रेडिट नहीं है। ये सारा का सारा मेरे सब्सक्राइबर ने कहा, सर ये देखिए, ये कुछ नया आदेश आया और मुझे बताइए क्या है। तो मैंने ये देखा तो मुझे लगा ये आपको भी बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ हम छोड़ देंगे। रेवाड़ी की अमन ने याचिका में कहा कि पुलिस कांस्टेबल महिला के लिए शारीरिक मापदंड में 8 अक्टूबर 2021 को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अमन थी, इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनकी ऊंचाई 155.2 सेंटीमीटर दिखाई गई, ठीक है, जबकि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई 156 थी। भाई अब 156 सेंटीमीटर तो हाइट चाहिए थी, इनकी दिखा दी 155.2, तो ये तो बाहर हो गई। लेकिन क्या हुआ, उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि डॉक्टरों के द्वारा 23 अक्टूबर को जारी मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट में अमन की ऊंचाई 158 सेंटीमीटर मिली है। तो देखिए, हाइट 158 मिली 155, मतलब कि आपकी 3 पॉइंट, आपकी जो 3 सेंटीमीटर वो कम होगी, घपला हो गया यहां पर, ठीक है ना। तो कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह के भीतर याची को दोबारा शारीरिक माप परीक्षण कराने के आदेश दिए हैं। तो भाई यहां पर जो बात है वो बिल्कुल क्लियर ये है कि अब आप यहां से देखिए, ठीक है, अब आपकी जो हाइट है वो बिल्कुल ओके है, सब कुछ ओके है, लेकिन आपकी फिर भी 3 सेंटीमीटर जो हाइट है वो कम कर दी गई। अब 3 सेंटीमीटर में आप बाहर हो जाओगे। अभी ये दिल्ली पुलिस का फिजिकल हुआ था, ठीक है, कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा मेरी हाइट ठीक थी, मैंने घर पर नापी, मेरी 156 आ रही थी, लेकिन वहां पर मेरी 153 बताई, मेरी 152 बताई गई है। कितने बच्चे, आपको खुद पता है ये बात। तो हो सकता है कई बार ऐसा आपको, ये जो भर्ती गई है तो गई, ये जो भर्ती गई है तो गई, अब आने वाली कोई भर्ती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, जो भी भर्ती हो, उसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको हाइट की वजह से बाहर कर देते हैं तो एक आपको स्टैंडर्ड, आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जो सर्टिफाइड है उसमें जाइए और वहां पर अपनी हाइट मेजरमेंट करवाइए, और अगर आपकी हाइट वहां पर जितनी नापी है उससे ज्यादा मिलती है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, चुपचाप यूं मत बैठ जाइए कि आपको बाहर कर दिया तो किस्मत के भरोसे बैठे हैं। आप एक बार कीजिए और उसको करने के बाद अपनी हाइट का कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में अपील डालिए, और हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि आप अपनी नहीं किसी और की गलती का शिकार यहां पर बने हैं, ठीक है ना। सो एक आवश्यक सूचना मुझे लगी आपको देना चाहिए कि आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आपको इस तरह से हाइट मेजरमेंट वगैरह में अगर बाहर, चेस्ट में बाहर कर देते हैं, हाइट में बाहर कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार आपको अच्छे किसी मेडिकल ऑफिसर से अपनी चेस्ट का, हाइट का मेजरमेंट करके उनसे रिपोर्ट बनवा कर कि भाई रिपोर्ट बना दे मेरी हाइट कितनी है और कितनी है, और फिर वो आप कोर्ट में याचिका दायर करो। हो सकता है कि जो जॉब आपकी है वो आपको ही मिले, सिर्फ एक थोड़ा सा ढीलेपन में बैठने की वजह से या ज्ञान की कमी की वजह से। कई बार क्या होता है, हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना है, ठीक है, तो उसकी वजह से आप बाहर ना हो जाओ। अपनी गलती से होते हो ठीक है, बाकी किसी और की गलती से आप बाहर ना हो जाओ, उसके लिए खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आने वाली भर्ती में इस तरह की चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।